हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.4 फ्रॉम द फ्रैक्शन चैप्टर। द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फ्रैक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन, मीना यूज्ड 1/3 meter ऑफ अ रिबन एंड रीना यूज्ड 2/3 meter ऑफ अ सेम रिबन। हाउ मच डिड दे यूज ऑल टूगेदर। Here, the total ribbon used by the Meena and Reena. Hence, for total, we use sum or add. We add two fractions. We add these two fractions. The total. Here we write the total ribbon. Equal to, we add these two fractions 1/3 meter and 2/3 meter. 1/3 meter plus 2/3 meters. Here we add 1/3 and 2/3. 1/3 plus 2/3. 2 plus 1, 3. Here 3/3. Now we cancel out 3 1 ja 3. Hence answer is equal to 1 meter. 1 meter ribbon. Total यहाँ पे पूछा है मीना कितना ribbon use करती है 1/3 और रीना कितना ribbon use करती है 2/3. Total ribbon पूछा है तो हम दोनों को क्या करेंगे add करेंगे. Add करने पे कितना आ गया 1 meter आ गया. Next question. Question number 2. From a rope of length 9/10 meter, 7/10 meter was cut off. How much was left? तो total length rope की कितनी है 9/10 meter. उसमें से कितना कट कर लिया गया 7/10 meter. तो कट करने के लिए क्या होगा उसकी साइज कम हो जाएगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे डिफरेंस फाइंड करेंगे. 9/10 माइनस 7/10. The length of rope left कितना हो जाएगा 9/10 माइनस 7/10 कितना आएगा 2/10. इसको हम शॉर्ट में कर दें 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. इसको दोनों को 2 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1/5. और जो हमारा आंसर आएगा किस में आएगा मीटर में आएगा. मीटर में गिवन है तो आंसर क्या हो जाएगा 1/5 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम 5/7 ऑफ अ केक मरीज एट 3/7. हाउ मच वाज लेफ्ट. टोटल केक 5/7 मरीज एट 3/7. हाउ मच लेफ्ट फ्रॉम दिस दिस सब्ट्रैक्ट 5/7 माइनस 1/7. टोटल केक कितना था 5/7 था. उसमें से मरीज ने 3/7 खा लिए तो कितना बचा इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. लेफ्ट केक बचा हुआ केक कितना है 5/7 माइनस 3/7 कितना जाएगा 2/7. 2/7 पार्ट ऑफ केक इज रिमेन्स. 2/7 क्या है बचा हुआ केक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. देर आर 3 pieces ऑफ सिल्क 2/11 meter, 4/11 meter, 5/11 meter लॉन्ग. हाउ मच सिल्क इज देयर ऑल टुगेदर. टोटल सिल्क पूछ रहा है कितना है. टोटल के लिए हम क्या करेंगे ऐड करेंगे. तो
टोटल सिल्क इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल सिल्क इक्वल टू, टोटल कितना जाए, टोटल लिए हम लोग ऐड करेंगे, 3 पीस हैं तो कितना हो जाएगा, 2/11 प्लस 4/11 प्लस 5/11 कितना हो जाएगा, 5/4 9 2 11/11 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर। सबको ऐड कर देंगे, 11 1 जा 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देयर वाज 10/13 liter ऑफ वाटर इन अ बॉटल आउट ऑफ विच 4/13 liter वाज यूज, हाउ मच वाज लेफ्ट, कितना बचा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट वाटर टेन बाय थर्टीन माइनस 4/13 कितना हो जाएगी, 6/13 liter हो जाएगा। टोटल लेफ्ट वाटर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10/13 माइनस 4/13, तो 10 माइनस 4 6/13 liter। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 3/4 ऑफ पिज्ज़ा साथी 8 1/4 नील 8 अनदर 1/4 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्ज़ा इज लेफ्ट नाउ, तो टोटल पिज्ज़ा कितना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पिज्ज़ा 3/4, टोटल क्वेश्चन नंबर 6, टोटल पिज्ज़ा 3/4, पिज्जा 8/7 एंड नील इक्वल टू, स्वाती ने कितना ऐड किया, 1/4, नील ने कितना ऐड किया, 1/4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2/4, टोटल पिज्जा था 3/4, स्वाति और नील ने 2/4 ऐड कर लिया, तो कितना बचा रिमेनिंग पिज्जा, 3/4 माइनस 2/4, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 1/4, 1/4 पिज्जा अभी भी बचा हुआ है, इट इज आवर फाइनल आंसर। तो टोटल रिमेनिंग पिज्जा कितना हो गया, 1/4 टोटल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शंस। ओके।